हेलो व्यूअर्स, जिस प्रकार स्टूडेंट्स चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उनकी अहमियत नहीं होती जब तक उन्हें कोई जॉब न मिल जाए, उन्हें कामयाबी न मिल जाए। उसी प्रकार शब्दों का समूह जो निम्नलिखित हैं, इनका कोई महत्व नहीं जब तक हम इन्हें वाक्यों में जोड़ न दें। अतः फ्रेज उसे कहते हैं जिसमें शब्दों का समूह पाया जाता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं जब तक उन्हें वाक्य में न जोड़ा जाए। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस अनलेस एडेड टू अ सेंटेंस। यहाँ तमाम शब्द फ्रेज हैं और नीचे के पैसेज में इनका इस्तेमाल किया गया है, हमें पता करना होगा। जैसे मेरी परीक्षा नज़दीक है, माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, एट हैंड मीन्स नज़दीक, फिर भी येट आई हैव बीन इन दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ टू सी हु आर डिस्टर्बिंग वाइल्ड क्रीचर्स, या पता करने कौन कौन से लोग जंगली प्राणियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सच एज लायंस, टाइगर्स एट्सेट्रा। डिस्टर्बिंग देम इज एन ऑफेंस, जंगली प्राणियों को डिस्टर्ब करना एक प्रकार का ऑफेंस यानी अपराध है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर टू, वह मैथ में निपुण है, ही इज एट होम इन मैथ, एट होम इन मीन्स निपुण। ही विल पार्टिसिपेट इन अ कॉन्टेस्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड टुमारो, वह कल होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगा तथा प्रथम स्थान लाएगा। ही विल पार्टिसिपेट इन अ कॉन्टेस्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड टुमारो एंड विल सिक्योर फर्स्ट पोजिशन। नंबर थ्री, मैं परेशानी में पड़ गया, आई वॉज एट विट्स एंड, परेशानी में पड़ना का फ्रेज होता है एट विट्स एंड, आई वॉज एट विट्स एंड, जब मैंने ऊंचे ओहदे वाले एक व्यक्ति को चप्पल चुराते देखा। When I saw a high profile person stealing slippers, तो मैं परेशानी में पड़ गया, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। यहाँ मैंने at wit's end का इस्तेमाल किया, वह एकाएक आया, कुछ नहीं कहा। He at random came and didn't say anything, यहाँ हमने एकाएक का at random phrase का इस्तेमाल किया। आखिरी वक्त में मैंने उसे बोलने को कहा, At the 11th hour means आखिरी वक्त में, I said to him to speak what he had to speak। इस प्रकार हमने इन तमाम phrases की जानकारी हासिल की। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।